ज्वेल हाइट्स प्रोजेक्ट के लिए। ये हमारा ज्वेल हाइट्स प्रोजेक्ट है, साथ ही हम लोग अभी एंट्रेंस ले रहे हैं। ये हमारे डेकोरेटिव एंट्रेंस लॉबी, इसका भी अभी वर्क चल रहा है। आपको यहाँ पे मिलेगी और दो आपको लिफ्ट मिलेंगे पर टावर। यहाँ पे ऊपर आने के बाद हमारी लॉबी चालू हो जाती है। यहाँ पे हम लोग दो लिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे एक लिफ्ट रहेगी, यहाँ पे एक लिफ्ट रहेगी, और लिफ्ट की साइज जो रहेगी 6x6 की एक लिफ्ट रहेगी। तो इसे दो टाइप देखिए, हम लोग दो ब्रांडेड लिफ्ट आपको मिलेगी। आपको स्टेयरकेस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेयरकेस हम लोग ने दिया हुआ है, एक स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, प्लस दूसरी स्टेयरकेस भी हम लोग यहाँ पे दी गई है। तो इसमें आपको दो लिफ्ट एंड दो स्टेयरकेस पर टावर आएंगे। आपको यहाँ पे आने के बाद अगर फ्लैट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फ्लैट हम लोग ने दिए हुए, तो एक नंबर फ्लैट दो नंबर फ्लैट ये हो जाता है। यहां से दो फ्लैट तो हर फ्लैट के लिए अलग स्पेस हो जाती है। फिर जैसे आप आगे आते हो तो यहां पर भी हम लोगों ने दो फ्लैट लिए, दो फ्लैट यहां पे रहेंगे और तीन फ्लैट हम लोगों ने ये साइड में लिए, तो टोटल 7 फ्लैट रहेंगे पर फ्लोर। तो हर फ्लैट के लिए अपनी अपनी अलग स्पेस मिल जाती है। टी शेप में लॉबी रहेगी हमारी, टी शेप में लॉबी रहेगी और अलग अलग स्पेस हर फ्लैट्स के लिए मिल जाती है। किसी भी फ्लैट के सामने कोई भी फ्लैट नहीं आता, तो ये हमारी एक अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हमारा ज्वेल हाइट्स है, ज्वेल बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं 1 BHK के फ्लैट्स देखने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा सेंट्रल फ्लैट है, ये मास्टर बेडरूम सेंट्रल फ्लैट है हमारा। यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको हॉल एरिया हो गया है, जो हॉल है हमारा 10x14 का हॉल रहेगा। जो कवर्ड आपको यहाँ पे सोफा वगैरह सेट लगाने के लिए है, यहाँ पे आपको टीवी भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे एलसीएफ सोफा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल एक विंडो आ जाएगी, डोर क्वालिटी जैसे आप देख रहे हो दैट टाइप ऑफ डोर क्वालिटी आपको हर जगह पे आएगी, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फिटिंग जो रहेगी, ये आपको कंसेल फिटिंग है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने इसमें आपको दिए हुए हैं। यहाँ से आप जैसे ही अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग मार्बल फ्रेम दे रहे हैं एंट्री फ्रेम, ये मार्बल फ्रेम आपको हर फ्लैट में मिलेगी। यहाँ से आप अंदर आते हो कॉमन टॉयलेट, ये 6x6 टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन आ जाएगा, टाइल साइड जैसे यहाँ पे दी गई है, कबर्ड यही सेम आएगी आपको हर जगह पे। यहाँ पे आपको वाटर टैंक लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 500-700 लीटर की टैंक आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद आप लोग आते हैं किचन की तरफ, किचन में भी जैसे यहाँ पे मार्बल फ्रेम दी गई, दैट टाइप ऑफ मार्बल फ्रेम यहाँ पे भी दी गई। यहाँ से आप अंदर आते हो तो किचन आपका जो है 7x9 का एक किचन है। किचन में आपको जो टाइल साइड दिख रही है, तो दैट टाइप ऑफ टाइल साइड सभी जगह पे रहेगी। यहाँ पे आपको सिंक दिया गया है, मार्बल किचन दिया गया है आपको, टैब आपको दो टाइप के दिए गए, जैसे ये टैब जो है पीने का लगेगा। यहाँ पे आपको वाटर प्यूरिफायर के लिए भी एक्स्ट्रा कनेक्शन हम लोग ने करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोरवेल का वाटर का कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे आपको लॉफ्ट दिया गया है, हर प्रोजेक्ट में हम लोग लॉफ्ट दे रहे हैं, हर फ्लैट्स में आपको लॉफ्ट रहेगा। यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए, तो दैट टाइप ऑफ आपका किचन हो जाता है। किचन में भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दिया गया है, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो हर जगह पे सेम फिट करें। इसके बाद हम लोग जाएंगे बेडरूम की तरफ। बेडरूम में अटैच मास्टर टॉयलेट बाथरूम है, तो यहाँ पे भी आपको एक टैंक स्पेस दिया गया, तो एक्स्ट्रा टैंक स्पेस आपको यहाँ पे, मतलब इसमें दो टैंक स्पेस आपको आ जाएंगे, तो दो वाटर टैंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अंदर आने के बाद ये जो बेडरूम रहेगा 9x6x11.6 का बेडरूम है आपका, और ये बेडरूम की दो खास बात रहेगी कि यहाँ पे आपको वेंटिलेशन डबल मिलेगा। जैसे नॉर्मल बेडरूम में एक ही विंडो आती है, यहाँ पे आपको दो विंडोज आ रही है, एक विंडो हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ्रंट विंडो आ गई आपको, और इसमें भी आपको बालकनीज दी गई है,
ड्राई बालकनीज आप पकड़ सकते हो, बालकनीज पकड़ सकते हो फ्लावर बेड के टाइप में, ये लंबी बालकनी है वहां तक। तो बेडरूम में आपको यहाँ पे डबल वेंटिलेशन आ जाएगा, प्लस इसमें आपको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जैसे मैंने आपको बताया वहां पे है, वैसे यहाँ पे भी अटैच टॉयलेट बाथरूम। तो हम लोग ने कम से कम एरिया में आपको मास्टर बेडरूम का फ्लैट दिया हुआ है मैक्सिमम कार्पेट के साथ। 635 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है आपको, इसमें आपको रेरा कार्पेट आएगा 30.04 स्क्वायर फीट, और आपको टोटल यूजेबल कार्पेट अगर देखा जाएगा इसमें तो आपको 436 स्क्वायर फीट के आसपास यूजेबल कार्पेट आएगा इसमें। जैसे कि आपने देखा है जैसे डोर है हमारे ये, तो डोर भी आपको जैसे कि लैमिनेटेड डोर है, जैसे फ्रंट डोर हमने दिए गए दैट टाइप ऑफ डोर यहां पे आपको दिए गए सभी जगह पे, ये आपको टीकूड की फ्रेम मिलेगी एवरी जगह। तो सेम दैट टाइप ऑफ आपको सैंपल फ्लैट सब हम लोग ने, दूसरी चीज की सैंपल फ्लैट जो है हम लोग ने बिल्डिंग्स में ही बनाया हुआ जहां पे आपको एक्चुअल मिलने वाला फ्लैट, ये अपना जो सैंपल फ्लैट है ये हमारा साइड ऑफिस में नहीं है, जैसे कि बहुत बार साइड ऑफिस में आपको प्लाईवुड का सैंपल फ्लैट बनाया हुआ मिलता है, तो दैट टाइप हम लोग ने नहीं बनाया, एक्चुअल जो कस्टमर्स को मिलने वाला है वही चीज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को ये बेहतरीन सा प्रोजेक्ट? ये कुछ फ़ोटोज़ है जो क्लब हाउस और गार्डन एरिया की है, ये सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। आगे हम आपको ये प्रोजेक्ट तक कैसे पहुँचना है इसकी भी जानकारी देंगे, तब तक आप ये फ़ोटोज़ देख लीजिए। इसी के साथ साथ ये डुप्लेक्स सुपरमार्केट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, ये है मेन गेट और यहाँ से बाहर आते से ही आप लोगों के लिए ऑटो स्टैंड अवेलेबल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट तक कैसे पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आना है बदलापुर स्टेशन। बदलापुर स्टेशन आने के बाद आपको वेस्ट में वैशाली टॉकीज़ के यहाँ पर रुकना है, और वहाँ पर आपके लिए ज्वेल बिल्डर्स की कार खड़ी होगी जो आपको प्रोजेक्ट तक लेकर भी जाएगी और वापस बदलापुर स्टेशन छोड़ भी देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।